हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। ये मेरे घर के बाहर का व्यू है। चलिए दोस्तों, बाद में मिलते हैं आपसे। थोड़ा काम वगैरह भी निपटा लेते हैं, झाड़ू झूड़ू कुछ। ये देखिए दोस्तों, ये वाली चादर ना मेरी खिसकती भी नहीं है। ऐसे दूसरी भी है दो चार चादरें, अगर उसको थोड़ी उनको थोड़ी देर भी बिछा दिया ऐसी ना, वो एकदम इकट्ठी आ जाती है। और ये वाली चादर जैसे ही बिछी होगी वैसी रहती है शाम तक। ये वाली चादर मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो ये सर्दियों वाली चादर है, पर यहाँ तो ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, तो फिर मैं यही बिछा के रखती हूँ। नॉर्मली मौसम है यहाँ पे, और ये बिल्कुल भी खिसकती नहीं है। और यहाँ पे एक पतले वाले कंबल की जरूरत तो डेली ही पड़ती है, दिन में भी कभी पड़ती है, क्योंकि जैसे बरसात बरसात हो, और नाइट को तो खैर लेना ही पड़ता है। वैसे जब ज़्यादा ही ठंड पड़ती है तो रजाई की भी ज़रूरत पड़ती है, पतला वाला तो एक रखना ही पड़ता है कंबल। इस वाले कमरे में हम गर्मियों में ही ज़्यादा बैठते हैं, सर्दियों में तो इस कमरे में हम ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा है। और गर्मियों में यहाँ पे खिड़की वगैरह भी है, तो बैठने के लिए सही हो जाता है। मैं ऐसे दोनों कमरों में मोटी वाली चादरें बिछा देती हूँ। मोटी भी नहीं है ज़्यादा, मतलब नॉर्मल है। और पतली वाली चादरों की ऐसे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हाँ, कभी कभार बिछा लेती हूँ, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और ये कपड़े मैंने कम से कम 2-3 दिन हो गए, और अब जाके सूखे मेरे कपड़े। मैंने आपको दिखाया भी था पहली वाली वीडियो में, अब जाके दो तीन दिन में सूखे ये कपड़े। इस कमरे में अभी थोड़ा अंधेरा भी आ रहा है, ऐसे अंधेरा नहीं है इस कमरे में, पता नहीं कैमरे में अंधेरा जैसा आ रहा है। और ये हस्बैंड की किताबें वगैरह हैं, और दिन में वो जैसे खाना खा के तो यहीं पे बैठते हैं, शाम को जैसे पढ़ना पढ़ना हो कुछ तो यहीं पर बैठते हैं। और ये सारी किताबें मैं ढंग से रख रही हूँ, मैंने कहा एक जगह सही से रख देती हूँ, इस टेबल के ऊपर रख देती हूँ मैं सारी किताबें पढ़ने के लिए। और अब मैं इस कमरे में थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ।
और ज़्यादातर हम इसी वाले कमरे में बैठते हैं, इसी वाला कमरा अच्छा है। और सर्दियों में तो फिर हम यहीं बैठते हैं, सोते भी यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं है और दूसरे वाले कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड है। सर्दियों में तो फिर ज़्यादा ही ठंडा लगता है मुझे। और इस वाले कमरे में भी मैं थोड़ा झाड़ू झूड़ू लगा देती हूँ। पोछा वगैरह तो मैं बाद में ही लगाऊंगी, तब थोड़ी देर में। और ये बाहर बरामदा है, और ये बाहर आंगन में यहाँ पे कपड़े वगैरह हम सब यहीं पे डालते हैं। और जैसे कुछ सुखाना हो, जैसे दालें वगैरह कुछ भी सुखानी हो तो यहीं डालती हूँ। और अभी बढ़िया धूप निकल गई। और ये यहाँ के लोकल टमाटर है, हमें किसी ने दिए थे यहाँ पे पड़ोस में। और वैसे अच्छे होते हैं ये, भले इसके दाने छोटे छोटे होते हैं और पक भी गए। अब थोड़ी देर बैठ के आराम से टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा न्यूज वगैरह देख लेती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अब ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।